आज एक कोरिलेशन स्थापित करने की कोशिश करती हूं मैं, और उससे बेहतर आपको समझ में आएगा कि हीलिंग का महत्व और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करें कैसे और क्यों, और ये दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ, और हम हीलिंग करें क्यों। तो हीलिंग जो पद्धति है, इससे आपको एक विशेष ऊर्जा मिलती है, यूनिवर्स से एक पॉजिटिव सात्विक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। और इस ऊर्जा से आप क्या कर सकते हो? इस ऊर्जा से आप अपने तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हो भाई, हर दिन की दिक्कतें दूर कर सकते हो, जीवन में आपके कोई भी रुकावटें हैं, भविष्य में आप बहुत आगे जाना चाहते हो तो कैसे जाएं, तो हीलिंग इसमें बहुत मदद करती है। अब ये यूनिवर्स में हीलिंग किस तरह हमारे ख्वाहिशों को रूपांतर करती है, चेंज करती है, कन्वर्ट करती है, क्या चीजें चल रही है? तो यूनिवर्स में सिर्फ वाइब्रेशन है, स्पंदन है, वेवलेंथ यानी लहर है, साउंड यानी ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश है। तो जब हम हीलिंग करके अपने बॉडी में विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, स्पंदन की एक विशेष एक एनर्जी की लेयर उत्पन्न होती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है ना, और अच्छा सोचते हैं, अच्छे एफर्मेशंस के साथ उस ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, तो एक अच्छी लय बनती है। और उसमें जब हम कुछ सुंदर अक्षरों का उच्चारण करते हैं या भाव का उच्चारण करते हैं, जिसको एफर्मेशन कहते हैं, जिसको आप लाउड भी बोलते हो और इसको आप आंतरिक भी हम कर सकते हैं, तो इसकी भी जो लय बन रही है वो यूनिवर्स में जा रही है, वो ही मैसेज है जो यूनिवर्स आपका समझता है। और प्रकाश ही प्रकाश है चारों, इसलिए मेरा हमेशा से यही कहना होता है प्रत्येक विद्यार्थी को कि आप एक बहुत अच्छा सोचो, रोज अपने अंदर होलिस्टिक हीलिंग्स कोई भी हो, वो ऐसा नहीं है कि रेकी ही है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, जिसको बिल्कुल पता है कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो क्लियर है, ऐसा नहीं है कि बस हम क्या कर रहे हैं करते हैं, ऐसा नहीं, उसका एक एप्लीकेशन बिल्कुल निर्धारित करो आप, और जब आप उस पे चलते हो तो विश्वास रखो कि जो मैंने लय उत्पन्न की है वो यूनिवर्स सुन रहा है, ये यूनिवर्स डेड नहीं है। एक्चुअली हम एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में फंस जाते हैं, पूरा यूनिवर्स लिविंग है, एक एक मॉलिक्यूल यहां जो भी कुछ है वो सब हमारी आवाज सुन रहा है, बात सुन रहा है, भाव सुन रहा है। तो मुझे अपनी बात उस भाव में कन्वर्ट करनी है, लय अच्छी पैदा करनी है, वाइब्रेशन स्पंदन अच्छे पैदा करने हैं, और उस प्रकाश पर विश्वास रखना है, तो आपके सारे काम होंगे। और यदि काम नहीं हुए बीच में तो उस पर विश्वास रखो कि ये समय अभी मेरे लिए नहीं है, इस बात के मतलब वो जो पूरे होना है मेरा, मैं जिद करता हूं तो ये वाला समय सही नहीं है इस वक्त, जो यूनिवर्स जानता है। तो यूनिवर्स पर एक विश्वास करो, ये सुन रहा है पूरा, यूनिवर्स डेड नहीं है, हमें दिखे ना दिखे हमारे लिए है, हमारी बात सुनता है, हमें हेल्प करता है, मदद करता है, इससे बात करना सीखो। तो इस स्पंदन को आप यूज करो और आपका भविष्य बहुत सुंदर होगा। अच्छी लय उत्पन्न करो, प्रकाश पर विश्वास करो, प्रकाश ही प्रकाश है हम, और सुंदर मंत्रों का भी उच्चारण करो, अपने एफर्मेशन सुंदर एफर्मेशन बनाओ हर वक्त, ये सांस में ये चले कि मेरा हर पल जो आ रहा है वो बहुत ही सुंदर है, और ये यूनिवर्स मुझे, मेरे लिए तो एक गिफ्ट है, हर वक्त सात्विक ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, मेरा बहुत ही भला हो रहा है,
तो आप देखो आपका बहुत भला होगा।